तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। बृहदीश्वर मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है और इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। राजा राज चोल इस मंदिर के प्रवर्तक थे और यह मंदिर उनकी शासन की गरिमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। चोल वंश के शासन के समय की वास्तुकला की ये एक श्रेष्ठतम उपलब्धि है और राजा राज चोल के शासनकाल में यानी कि 1010 AD में यह मंदिर पूरी तरह से तैयार हुआ और वर्ष 2010 में इसके निर्माण के 1000 वर्ष पूरे हो गए। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए यह मंदिर जाना जाता है। 1,30,000 टन ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया। ग्रेनाइट इस इलाके के आसपास नहीं पाया जाता है और ये रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट कहां से लाया गया, क्योंकि इसके आसपास नजदीक में कोई भी ग्रेनाइट की खान नहीं पाई जाती है। इसकी दुर्ग की ऊंचाई विश्व में सर्वाधिक है और दक्षिण भारत की वास्तुकला की अनोखी मिसाल इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तंजावुर का पेरिया कोविल विशाल दीवारों से घिरा हुआ है और संभवतः इनकी नींव 16वीं शताब्दी में रखी गई। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट है यानी कि 66 मीटर है और संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर का कुंभ यानी कि कलश जो कि सबसे ऊपर स्थापित है केवल एक पत्थर को तराशकर बनाया गया है और इसका वजन 80 टन से भी ज्यादा है। केवल एक पत्थर से तराशी गई नंदी सांड की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास स्थित है जो कि 16 फुट लंबी और 13 फुट ऊंची है। हर महीने जब भी शताब्दी शंकर सितारा बुलंदी पर हो तो मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राजा राज के जन्म के समय ही यही सितारा अपनी बुलंदी पर था। एक दूसरा उत्सव कार्तिकी के महीने में मनाया जाता है जिसका नाम है कृतिका, और एक 9 दिवसीय उत्सव वैशाख मई महीने में मनाया जाता है और इस दौरान राजा राजेश्वर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाता है। ग्रेनाइट की खदान मंदिर के 100 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है और यह भी हैरानी की बात है कि ग्रेनाइट पर नक्शी करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी चोल राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर पर बारीक नक्शा की का कार्य खूबसूरती से करवाया है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि गोपुरम यानी कि पिरामिड की आकृति जो दक्षिण भारत के मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित होती है उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, यानी कि गोपुरम की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है और मंदिर के गर्भगृह में चारों ओर दीवारों पर भी चित्र बने हुए हैं जिसमें भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है।